हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज के इस वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट में हम बनाने वाले हैं ब्रीडिंग फार्म। अब जैसे कि आपने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि यार हमने वीट फार्म बनाया था, और वीट फार्म बनाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए अपने विलेज में, जो कि यार ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि AFK करके मतलब होके ये काम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ स्टोन बचे थे, मतलब जो हमने कोबल स्टोन पिघलाए थे तो हमारे पास स्टोन बचे थे, तो हमने क्या किया यार उनको वापस से पिघला के स्मूथ स्टोन बनाया, एंड उससे यार हमने ये वे बना दिया। खैर अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर यार हमने अपना फार्म बनाया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने एक मुर्गी को डाला था, एंड इसके बाद नहीं दो मुर्गियों को डाला था, एंड इसके बाद ये इतनी सारी मुर्गियाँ हो गई। खैर इन मुर्गियों से यार हमको अंडे मिलेंगे, और मतलब ये देखो सब ये अंडे वगैरह दे रही हैं। तो अब इन अंडे से यार हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो यार हम केक बना सकते हैं, एंड सेकंड चीज़ ये है कि इन अंडों को फोड़ के हम और भी चिकन ले सकते हैं, एंड उन चिकन को मार के हम मतलब हमें खाना वगैरह मिलेगा। खैर उसके लिए अभी हमें ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हमें मतलब आए और खाना मिल जाए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर ये छोटा सा काम था जो कि हमने फटाक से कर दिया। अब यहाँ पर हमने बनाया मुर्गियों का फार्म, अब और यहाँ पर हमने बनाया सिप्स हैं बहुत सारी, मतलब इनसे हमें वूल मिलेगा और थोड़ा खाना वगैरह मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर हमने बनाए हैं पिक का फार्म, एंड पिक से भी हमें खाना मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने बनाया है मतलब कि काउस का फार्म, और इस वाले फार्म से यार हमको लेदर मिलेगा। लेदर से हम बुक बना के उनको एन्चेंटमेंट बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो ये गेट है, अगर मैं इस वाले बटन को दबाता तो ये खुल जाएगा, एंड थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। खैर अब टाइम टू टाइम हमें इनको खाना भी खिलाना पड़ता है, जिससे कि इनकी जो पॉपुलेशन है जनसंख्या वो बढ़ती रहे। अब इसके बाद क्या है कि अगर हमको लेदर चाहिए होगा तो हमें गाय को मारना पड़ेगा। अब देखो यार गेम का रूल ही कुछ ऐसा है कि बिना मारे काम ही नहीं चलेगा। खैर अब इसके बाद ये हमने एक पाथ बना दिया, यहाँ पे हमने एक आयरन एक टोर से ये लैंटर्न लगा दिया है। एंड इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ अपना वीट का फार्म कैसे चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा खाना आ गया उसमें से कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब किसी चीज़ को मारने की ज़रूरत नहीं है। खैर खाने की तो कतई भी नहीं, क्योंकि इतने सारे सीड्स हो गए हमारे पास, एंड इतने सारे ये वीट हो गए हमारे पास, जिससे कि हम बहुत सारा मतलब ब्रेड बना सकते हैं। अभी भी देख सकते हो मेरे पास 51 ब्रेड्स हैं। खैर अब इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्रीडिंग फार्म। अब ब्रीडिंग फार्म से यार हमको कुछ विलेजर्स चाहिए होंगे, एंड विलेजर्स से मतलब आपको पता है कि अभी हम बनाने वाले हैं अनलिमिटेड आयरन गोलम फार्म एंड भी बहुत सारे फार्म्स, तो उनमें क्या होता है कि यार विलेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हर फार्म में अगर हम विलेजर्स को पकड़ पकड़ के लाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमने सोचा कि यार इन चीज़ों को बनाने से पहले शुरुआत कर लेते हैं ब्रीडिंग फार्म से, क्योंकि ब्रीडिंग फार्म से ही हमको बहुत सारे विलेजर्स मिल जाएंगे। तो आज का जो अपना एपिसोड है ये इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। अब सबसे पहले यार हमको जो जो चीज़ें चाहिए ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए वो यार मैंने इस चेस्ट में रख दिया। तो सबसे पहले हमको ये मतलब गिलास चाहिए, माइनक्राफ्ट चाहिए, और कंपोस्टर चाहिए, और यार यहाँ पे बकेट लगने वाले, तो हमने पहले बहुत सारी बकेट बना के उसमें पानी डाल दिया है। एंड इसके बाद हमको प्लैंक चाहिए, बेड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने अलग छाट के मतलब इधर इस वाली चेस्ट में रख दिया, क्योंकि जिससे कि हमको भाग के बार बार सामने ना जाना पड़े। अब इसके बाद यहाँ पर यार हुमांस को एक बिल्ली मिल गई है, देखो क्यूट से बिल्ली। एंड हाँ गाइस मेरे पास भी यार दो कुत्ते हैं, मतलब अब वो दो से तीन हो गए, तो उनका नाम सजेस्ट करो मेरे को, मतलब उन दोनों का नाम क्या रखूँ मैं, एक का नाम बताना मेल और एक का नाम बताना फीमेल, ठीक है? तो इन दोनों का आप नाम सजेस्ट करना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और जिस अगर किसी का नाम आपको अच्छा लगता है ना तो उसकी कमेंट को लाइक कर देना, और देखते हैं जिसकी वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो वही वाला नाम हम इन दोनों का रखेंगे नेम टैग के जरिए। और ये है इनका छोटा सा बेबी जो कि अभी हुआ है, एंड ये मेरी बिल्ली, तो बिल्ली का तो अभी नहीं, पहले इन दोनों का नाम रखते हैं। तो मेरे कमेंट सेक्शन बताना अच्छा सा नाम, ठीक है? कभी मतलब फनी सा भी बता सकते हो, लेकिन अच्छा बताना, कोई ज़्यादा अजीब सा मत बता देना। खैर गाइस अब इसके बाद यार हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीडिंग फार्म बनाना, तो मैं हुमांस से बात कर लेता हूँ। हेलो हुमांस, आवाज़ आ रही है? चलो तो ब्रीडिंग फार्म बनाना अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी बिल्ली हटाओ यहाँ से, इसके ऊपर एक आध पत्थर गिर गया तो ये दबके के ना मर जाएगा। अरे यार वेदर क्लियर हो गया, अब ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए, थोड़ी देर चल के मतलब अंदर बैठते हैं, वेदर क्लियर होने का वेट करते हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो चलो गाइस यार हमने सो के जल्दी से ये अपना जो वेदर है ये क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद यार हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीडिंग फार्म बनाना। अब इसके बाद सबसे पहले यार मैं ज़रूरी सामान ले लेता हूँ, और मेरे पास ये जो सामान है इनको मैं सबसे पहले ऊपर रख देता हूँ। अब यहाँ पर कोबल स्टोन और ये डर्ट ऊपर रख देता हूँ, एंड डायमंड पिकैक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, सोल की सोल्ड मैं अंदर रख देता हूँ, खाने की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ।
खैर अपने जो विलेजर्स हैं ना यहाँ पर, यार हमने सबसे बड़ा काम क्या है वो मैं आपको बताना भूल गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अभी जैसी रात हुई थी ना, तो रात में क्या करा हमने, जाग के ये सारे जैसी विलेजर्स सोने गए तो यहाँ पे हमने डर्ट वगैरह लगा दी, एंड डर्ट वगैरह से ये जो विलेजर्स है ये घर के अंदर ही मतलब रह गए। अब ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर अभी हमें को मतलब ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड विलेजर्स को हम माइनक्राफ्ट के थ्रू लेके आएंगे। अब माइनक्राफ्ट में बैठाने के लिए मतलब बहुत झंझट वगैरह लगती है, इसलिए यार हमने इनको क्या करा अंदर ही बंद कर दिया। अब इनको बैठाने के लिए हम सिंपली ये डर्ट हटानी है, एंड यहाँ पर हम माइनक्राफ्ट रख के रेल की पटरी बिछा देंगे, एंड उसके थ्रू ये ईजिली हमारे ब्रीडिंग फार्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पर यार हमने बहुत अच्छा काम किया। अब देखो इसने गेट खोला, ये बाहर ही नहीं आ पाए तो वापिस अंदर चला गया। अब यहां पर यार हमने सबको अंदर ही बंद कर दिया, ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मतलब क्या कर रहे हैं हमारे साथ। खैर थोड़ी देर में ये सब आजाद हो जाएंगे जब हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद चलो यार ब्रीडिंग फार्म बनाना अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ओके, हर डायरेक्शन में चार चार ब्लॉक्स। ठीक है, ये सेंटर है तुम्हारा वाला है ना। अब मैं यहां से चार, 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 ओके। तो मतलब हमें 4x4 का बनाना है, इस साइड से भी 4x4 का। हाँ, 2 3 4 अब इसके बाद इस पूरे को फिल करना है ना डॉट से भर दो। गाइस अभी हमने एक 4x4 का बॉक्स बनाया, एंड इसको हमें अभी डर्ट से भरना है पूरे को, तो हम इसको डर्ट से फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वाटर का सोर्स। सो गाइस यहाँ पे हमने एक वाटर का सोर्स वाटर डाला थोड़ा एक ब्लॉक में, एंड इसके ऊपर हमने लगा दिया कंपोस्टर, एंड इसके बाद तो गाइज अभी फिलहाल के लिए मतलब हमने यहाँ पे ये लगा दिया, एंड इसके बाद यार हमको ग्लास चाहिए तो हम जल्दी से नीचे जाके ग्लास के 2 स्टैक उठा के ले आए हैं। अब यहाँ पर हमको इसकी जो मतलब बाउंड्री है वो ग्लास से बनानी है। सो बनाने स्टार्ट करते हैं, 1 2 मतलब अभी हमने हमें इसका बॉर्डर पूरा ग्लास से बनाना है तो वो बना लेते हैं हम फटाफट। सो गाइस यहाँ पे हमने 2-2 के ब्लॉक बना दिया, एंड इसके बाद हमने हर मतलब कोने पे एक एक टॉर्च लगा दिया जिससे कि मॉब्स वगैरह स्पॉन ना हो, थोड़ा मतलब उजाला वगैरह रहे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे जो विलेजर्स लेकर आएंगे मतलब वो यहाँ पे खेती वगैरह करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ी मतलब ज़मीन को प्लेन कर रहे हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे हम सीड्स लगाएंगे। सो गाइस यहाँ पे यार हमें मतलब इस वाले फार्म में वीट नहीं लगानी, हमें कैरेट लगानी है। तो कैरेट जो थी वो हुमांस के पास थी, अब हुमांस ने मेरे को थोड़ी कैरेट दे दी, एंड इसके बाद हम मतलब इस वाले पूरे फार्म को जो हमने बनाया 4x4 का, इसमें हम कैरेट लगाएंगे। चलो ये हो गया कंप्लीट। सो गाइस यहाँ का अभी जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमने मतलब 4x4 का ये बना के 2-2 की ये ग्लास बना दी है, एंड इसके बाद अभी मतलब हमने कैरेट भी लगा दिया ऊपर, एंड अब हमको यार विलेजर्स को लेके आना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पाथ बना रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर यार हमने ये मतलब विलेजर्स को ले जाने के लिए जगह बना दी है। अब हमको रेल की पटरियाँ चाहिए। सो अगर आपको याद हो तो सर्वाइवल सीरीज़ के पार्ट 2 में जब हम माइनिंग मतलब हमने स्टार्ट करी थी तो एक जगह पर हमको माइन कार्ट मिली थी, तो उसमें कुछ पटरियाँ रखी थी। अब उस टाइम यार हमने मतलब वो छोड़ दी थी वहीं पे क्योंकि बिना मतलब जगह फुल होती हमारी। अब इसके बाद यार टाइम आ गया है उन रेल के पटरियों को लाने का। अब इसके बाद क्या है कि मैं जाकर उनको लेके आऊँगा, एंड हुमांस क्या है कि कुछ पटरियाँ बनाएगा क्योंकि हो सकता है कि कम पड़ जाए, इसलिए यार वो पटरियाँ बना रहा है, एंड मैं जाकर जल्दी से यार उस माइन कार्ट में से वो पटरियाँ निकाल के ले आता हूँ। सो गाइस वो जो माइन कार्ट थी वो यहीं कहीं थी, ये रही सामने की तरफ। अब इसमें से हमें रेल की पटरियाँ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ मॉब्स भी हैं, उनके आने से पहले मैं जल्दी से ले लेता हूँ, शायद वो आ गए हैं। आ रहे हैं। चलो गाइस मिल गई मुझे, अब मैं जल्दी से निकल लेता हूँ यहाँ से। और भाई साहब मेरी एक अचीवमेंट भी अनलॉक हो गई है, शायद कुछ पटरी वगैरह की होती होगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे को मिल गई है, मेरे को 7 रेल और डिटेक्टर रेल मिल गई है।
साथ में तो ऑब्वियसली यार काम नहीं होने वाला है, इसलिए यार जो हमांस है वो और भी पटरियां बना रहा है। अब इसके बाद हमको फटाफट यहाँ से निकलना है और रात भी होने वाली है। और क्या पता रात हो गई हो, हमांस रात हो गई क्या? नहीं, होने वाली है थोड़ी देर में। सो गाइज यहाँ पर यार मैं नीचे से जाके उसमें से रेल ले आया हूँ एंड इसके बाद एक स्टैक हुमांस ने बना लिया है। अब इसके बाद हम विलेज तक मतलब कि ये पटरियाँ बिछाने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको। चलो इसको भेजता हूँ। ठीक है, तो गाइज होमांस जो है वो अंदर चला गया इसको पीछे से धक्का देने, और यहाँ पे आगे हम लगा देंगे माइनकार्ट। होमांस इसको पीछे से धक्का देगा एंड भाई ना चाहते हुए भी इसको बैठना ही पड़ेगा। भाई देखते हैं हमारा मिशन कंप्लीट होता है या नहीं। तो यहाँ पे होमांस ने माइनकार्ट लगा दी है, वो बैठ गया। चलो गाइज अब इसको धक्का दो। चलो गाइज इसको अब लेके चलते हैं हम एंड यहाँ पर इसको धक्का मारते मारते ले जाएंगे हम। अभी हमने रेड स्टोन की मतलब ये सब तो किया नहीं है, तो धक्का मारते मारते ले जाएंगे इसे। ओहो यहाँ पे हमने पटरे लगाना भूल गए, यहाँ पे हमांस यहाँ पे लगाना भूल गए। इसको पीछे करता हूँ मैं थोड़ा, ये पीछे कैसा होगा भाई? यहाँ इस साइड से धक्का दो, धक्का देना। तो मेरे हिसाब से हमको ये वाला प्लैंक हटाना पड़ेगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो तो अब गाइस इसको धक्का देते हैं। चढ़ गया चल 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 चल। ओ भाई ओए वापस नीचे आ गया। चल 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 चल। सो गाइस फाइनली यहाँ पर हम इसको ऊपर ले आए हैं। अब इसके बाद हम इसकी माइनकार्ट अभी नहीं तोड़ेंगे, वन अगर हमने तोड़ दी तो ये यहाँ से निकल के भाग जाएगा। अभी हम एक और विलेजर को लेके आएंगे एंड देन इसके बाद इसकी माइनक्राफ्ट मतलब दोनों की एक साथ माइनकार्ट तोड़ देंगे मतलब माइनक्राफ्ट तोड़ देंगे। चलो यहाँ पे इसका भी काम कर दिया हमने। तो तुम पीछे से जा रहे हो? ओह ये तो ऐसे ही आ गया। ओहो नाइस भाई। सो गाइज यहाँ पे हमने मतलब एक छोटा सा IQ लगाया था एंड उस IQ की वजह से हमारा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। मतलब हमें विलेजर्स के आगे माइनकार्ट लेके घूमना नहीं पड़ेगा। अब इनको हमने मतलब अंदर बंद कर दिया था और बेचारों के पास माइनकार्ट के अलावा माइनकार्ट में बैठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। एंड गाइज अब यहाँ पे हम इन दोनों मतलब माइनकार्ट के थ्रू इन दोनों को लेके आ गए हैं। अब इनके माइनकार्ट तोड़ देते हैं। नहीं नहीं माइनकार्ट नहीं तोड़नी अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बंद कर देते हैं ना, तुम ऊपर से आ जाओ, इसकी भी तोड़ देता हूँ। ठीक है तो और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ गाजर। अब ये जॉब क्यों नहीं, जॉब ले रखी है इन्होंने शायद। एक ने ले ली, दूसरा नहीं लेगा? हाँ एक ने ले ली, एक ने ले ली। ये दूसरा वाला जॉब नहीं लेगा? नहीं। ऐसा क्या? एक से एक कोई आते हैं। अच्छा एक से एक ही लेते हैं। तो हमको तो बस एक कोई जॉब मतलब दिलवानी है। हाँ ठीक है। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लिया है। अब यार मैं आपको बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा कि कैसे क्या सीन है, क्योंकि अभी के लिए मैं जल्दी जल्दी मतलब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली यार हमको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब देखो यार यहाँ पर मतलब ये बहुत सिंपल है, पर इसके कुछ मतलब छोटे मोटे फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये 4x4 का एंड इसके साइड में आपको 3 ब्लॉक बनाने हैं। अब यहाँ पर हमने 3 ब्लॉक की वॉल बना दी है जिससे कि ये जो विलेजर्स अंदर है ना ये कहीं भाग ना जाए। अब इसके बाद क्या है कि यार यहाँ पर हमने ओक डोर लगा दिए। अब ओक डोर इसलिए लगाए ना मतलब इनको कन्फ्यूज करने के लिए। अब इसके बाद गाइस जो ये बच्चे हैं ना वो मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद ये यहीं पे रहेंगे जब तक कि बड़े नहीं हो जाते। अब इसके बाद ये जैसे ही बड़े होंगे ना तो इस पानी के थ्रू ये आ जाएंगे ऊपर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे ना हमने क्या करा है, नीचे की साइड एक साइन बोर्ड लगा रखा है। अब साइन बोर्ड के ऊपर वाले ब्लॉक पर हमने पानी डाला है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो पानी है ना वो नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ पर हमने साइन बोर्ड लगा रखा है। और जैसे ही ये बड़े होते हैं तो इनके सर को जो है पानी टच करेगा और ये पानी के थ्रू ऊपर आ जाएंगे। अब छोटे बच्चों का तो कोई काम नहीं है,
इसलिए यार हमने मतलब छोटे बच्चों को नीचे ही रखा है, अब जैसे ही बड़े होंगे ये ऊपर आ जाएंगे। अब क्योंकि ये बड़े हमारे मतलब बहुत काम के आने वाले हैं। अब इसके बाद ब्रीडिंग फार्म के बाद यार हम बहुत सारे ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने वाले हैं, तो उनके लिए यार विलेजर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यार हमने सबसे पहले ब्रीडिंग फार्म बनाया है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि यार अनलिमिटेड आयरन गोलम फार्म के लिए 2 विलेजर्स की जरूरत पड़ती है, तो अब हमको विलेज में जाकर विलेजर्स को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार यहाँ पर हमने अपना ब्रीडिंग फार्म बना दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने मतलब ये स्टोन लगाया जिससे कि यहाँ पे पानी रुक जाए, और इस वाले ब्लॉक पे हमने पानी गिराया था जो कि फ्लो के यहाँ पे आ जाता है। एंड यहाँ पर हमने एक साइन बोर्ड लगाया है। साइन बोर्ड से क्या है कि देखो ऊपर वाला पानी रुका हुआ है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एंड यहाँ पर हमने एक साइन बोर्ड लगा दिया जिससे कि ये जो बच्चे है ना ये मतलब बच्चे जो है वो बड़े होने के बाद वापिस ना जा पाए। अब आपको पता होगा कि मतलब मिनिमम 3 ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, मतलब 3 ब्लॉक्स की हाइट होती है, और यहाँ पर हमने ये साइन बोर्ड लगा के 3 ब्लॉक से कम कर दिया, इसलिए जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऊपर जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। अब इसके बाद ये जैसे बड़े हो जाएंगे ना तो हम इनको क्या करेंगे, ये माइन कार्ट में बैठा के हमको मतलब जहाँ भी इनको ले जाना होगा वहाँ तक ये रेल की पटरियाँ कनेक्ट करके हम इनको ईजी ले जाएंगे। अब इनको जो है ना वो हम मतलब ऊपर से लेके जाएंगे, हम इनको अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। अब जैसे कि मान लो यार हमने सामने की तरफ मतलब सामने अनलिमिटेड आयरन गोलम फार्म बनाने लगे, तो वहाँ पर अगर हमको विलेजर्स की जरूरत पड़ती है तो हम मतलब अंडरग्राउंड ही ले जाएंगे पूरे मतलब रेल के ट्रैक को। अब बाहर इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि यार वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स वाई हमने डिसाइड करा कि हम इसको नीचे ही नीचे ले जाएंगे। एंड नीचे यार हम बहुत सारी रेल की पटरियाँ बिछा देंगे, और नीचे भी यार हम मतलब बेसमेंट में बहुत कुछ बनाने वाले हैं, वो तो यार आपको आगे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यार एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हम इनको कैसे लेके जाने वाले हैं। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब ये टोटली काम कैसे करने वाला है। अब सबसे पहले यार हमको यहाँ पर आकर ये डिस्पेंसर पे जो बटन है ना इसको दबाना है। अब जैसे हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर से एक माइन कार्ट निकलेगी जो कि एक विलेजर को बैठा के लेके जाएगी मतलब जहाँ तक हम ये रेल की पटरियाँ बिछाएंगे वहाँ तक। अब देखो जैसे मैंने बटन दबाया एक डिस्पेंसर एक माइन कार्ट निकल के आई और एक विलेजर को बैठा के ले गई। अब इसके बाद हम अंडरग्राउंड मतलब रेल की पटरियाँ बिछा के जहाँ तक इसको लेके जाना चाहे वहाँ तक लेके जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मतलब कि अभी तो हमने मतलब ये सब सिस्टम नहीं किया पावर्ड रेल वगैरह का, क्योंकि अभी हमको मतलब पता नहीं है कि हम नेक्स्ट जो फार्म है वो किस चीज़ का बनाने वाले हैं और कहाँ पर बनाने वाले हैं। तो गाइस कैसे लगा यार आपको ये वाला ब्रीडिंग फार्म, मतलब ब्रीडिंग फार्म अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करते जाना, और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, मतलब कुछ भी लिख के जाना पर लिख के जरूर जाना। एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हो एंड हमारी सर्वाइवल सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना। एंड एक चीज यार मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि भाई नेक्स्ट फॉर्म जो है मतलब आप किस चीज का देखने वाले हो। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो यार बारिश आने वाली है तो हम जल्दी से जाके घर में छुप जाते हैं वरना भीग जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप सभी को फिर से एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज के साथ, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज। पीस।